नमस्कार, आप फिर रफ्तार मीडिया के साथ, मैं हूं आकाश सरोज और रफ्तार मीडिया की इस खास पेशकश राज्योत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस राज्योत्सव में राज्य की उन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करते हैं। जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो छत्तीसगढ़ से है। जिरम घाटी के हमले में दंतेवाड़ा जिले ने अपने माटी पुत्र और बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले लोकप्रिय नेता महेंद्र कर्मा को खो दिया था। आज भी लोग उन्हें नम आंखों से याद करते हैं और इसीलिए आज शहीद दिवस के दिन गांव-गांव से लोग कर्मा परिवार को सहानुभूति प्रकट करने पहुंचते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेसियों और जिलावासियों ने अपने नेता को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की, वहीं दूसरी ओर अपने पिता को खो चुके छविंद्र कर्मा ने मीडिया के सामने बातें साझा करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अपने पार्टी के नेताओं को भी घेरे में लेते हुए जिरम घाटी कांड में बचकर आए आबकारी मंत्री कवासी लखमा और अमित जोगी के नार्को टेस्ट करने की मांग की। बस्तर टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंधु कुमार पटेल जी अमर रहे। बताता हूँ कि उस दौरान सभी लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो हैं। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्कोस हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे। अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमने खोया है वो ओपन तो हो। तो इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सहयोगी अंबिका मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अंबिका, जिरम घाटी हमले का जिक्र हुआ है तो इस घटना की अगर बात करें तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में आज तक पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्या कुछ आप इसका वजह मानते हैं? अंबिका जो जीरम घाटी में, दरभा घाटी में जो नक्सली हमला हुआ था वो देश का सबसे दूसरा बड़ा नक्सली हमला है, जिसमें 30 कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की जो उसमें निशंस हत्या की गई थी, उसे लेकर के आज 10वीं बरसी जो है पूरा छत्तीसगढ़ मना रहा है और जितने नेता उसमें शहीद हुए थे, जो सुरक्षा जवान उसमें शहीद हुए थे, आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही साथ इसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं हम बात करें इस हमले में बस्तर टाइगर के नाम से जाने वाले महेंद्र कर्मा की भी इसमें शहादत उन्होंने अपनी दी थी और इस दौरान उनके जो बेटे हैं सुविंद्र शर्मा ने आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात मीडिया से साझा की और मीडिया से साझा करने के दौरान उन्होंने कही है कि जिस समय जीरम घाटी में नक्सलियों ने जब हमला किया था, जो लोग उसमें से जिंदा बच के वापस आए हैं उनका भी नार्को टेस्ट है वो वहां पर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को, अपने कांग्रेस को बचाव करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस घटना की सच्चाई क्या थी, वहां मौजूद जो बच्चर आए जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहते हैं और इससे सत्यता जानने के ये भी एक तरीका है कि जो बचे हुए जो लोग थे उनका नार्कोटिक्स टेस्ट है वो किया जाए। और उन्होंने सीधे सीधे सबसे बड़ी बात यह आकाश कि सबसे जो छविंद्र कर्मा है, जो बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे हैं, उन्होंने सीधे सीधे दो व्यक्तियों का नाम इसमें सामने लाया। बात करें कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन के और साथ ही साथ जेसीसी प्रमुख जोगी कांग्रेस के जो सुप्रीम जो प्रमुख है, प्रदेश अध्यक्ष है अमित जोगी, उन पर उन्होंने सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए उन दोनों के ऊपर में नार्कोटिक जो टेस्ट है वो करने की उन्होंने मांग की है। तो कहीं ना कहीं आज भी जो जीरम घाटी में जो हमला हुआ था उसकी जो जख्म है अभी तक भरे नहीं है, कहीं ना कहीं लोग आज भी उस घटना को याद करके जो है अपनों को याद करते हैं और इसी बात को साझा करते हुए बस्तर टाइगर के पुत्र महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जो जाने जाते हैं, जिनके पुत्र छविंद्र कर्मा ने नार्कोटिक जांच मांग उन्होंने की है। जी अंबिका, अगर इस मामले में छविंद्र कर्मा की बात करें तो सिर्फ छविंद्र कर्मा ही नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी अगर हम बता रहे हैं कि जीरम जो कांड जो हुआ था उस पर एनआईए भी अपनी जांच कर रही है, साथ ही साथ जो है
राज्य सरकार जो है अपनी एसआईटी की गठन करके वो भी इसमें जांच कर रही है। और बात की जाए नारकोटिक टेस्ट की, तो बात सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं उठी है, कांग्रेस के जो खुद पीसीसी के मेंबर है जो शविंद्र कर्मा जो है वो खुद अपने ही दल के नेताओं के नार्कोटेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें उन्होंने तत्कालीन शासन में जो लोग जिनके शासन काल के समय में जो ये हमला हुआ था उस समय यहाँ पर तत्कालीन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार यहाँ पर थी, तो उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए भाजपा की जो नेता है उस समय जो बिश्नोहन अग्रवाल थे, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, उन तमाम भाजपा के जो बड़े नेता उनकी नार्कोटिक्स टेस्ट करने की बात अब कांग्रेस जो है वो कह रही है। तो कहीं ना कहीं वीरम घाटी को लेकर सियासत जारी है, लेकिन जिन लोगों जिन परिवार ने अपने लोगों को खोया है उनकी मांग जायज है और वो सिर्फ इसकी सत्यता जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और किनके इशारे पर जो है ये घटना को अंजाम दिया गया था। अंबिका, चूंकि ये घटना जो है 10 साल पहले की है और 10 साल से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो ये एक दूसरे को दोषी बताते हैं, और तो हम जानना चाहेंगे कि असल में ये कार्रवाई पहुंची कहां तक और दोनों दलों का जो स्टैंड है वो क्या है। देखिए बात करें अगर कार्यवाही की तो सबसे पहले जो है एसआईटी का गठन किया, एसआईटी ने भी जांच कर ली है, साथ ही साथ एनआईए ने भी अपनी जांच पूरी तरह से कर दी है और उन्होंने रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि अभी तक एनआईए ने उन्हें रिपोर्ट नहीं दी है जिसके आधार पर अब दोषियों का पता लगाया जाए। तो दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में वो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और ये भी कह रही है कि वीरम घाटी में जो दोषी है उनको बचाने का प्रयास जो है दोनों पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही, कांग्रेस भाजपा पर दोषियों के साक्ष्य को छुपाने का जो है आरोप लगा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी। तो यहाँ बुलेटिन में रुकेंगे।